हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त राहुल रंजन। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज हमारे चैनल पे रमजान सर आपको सारे के सारे सवाल के जवाब आपको बताएंगे जो मैंने उनसे पूछे हैं, और उनके जवाब से आपको भी कुछ सीखने मिलेगा YouTube पर काम करने के लिए, और मुझे भी सीखने को मिला कि हम YouTube को ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को देखते रहना अंत तक, और क्योंकि इतने बड़े यूट्यूबर आ रहे हैं तो मेरे लिए बहुत भाग्यशाली की बात है दोस्तों। सो डेफिनेटली आएगा। तो सर, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सर क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, हेलो एवरीवन, मैं हूँ राजमन प्रॉब्लम सॉल्व से, और थैंक यू सो मच राहुल का, जो राहुल ने मुझे अपने चैनल पे एक अपॉर्चुनिटी दी कि भाई मैं यहाँ पे जो एक इनिशियल लेवल पे जो शुरुआत की दौर के जो यूट्यूबर्स होते हैं, जब अपना नया चैनल क्रिएट करते हैं तो उनको किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर राहुल ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, और आई होप कि आपको उन क्वेश्चन के आंसर पाने के बाद कुछ तो आप मोटिवेट होंगे, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको वहां पर आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आपको अपने चैनल के साथ कैसे काम करना है। तो आपको यहाँ पर इन सभी बातों को ध्यान रखना, और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें ताकि आपको हर बातों को यहाँ पर समझ आ सके, और सभी आपके जितने भी माइंड में आपके क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली उनका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो राहुल ने पूछा है कि मेरा जो है फेवरेट यूट्यूबर कौन है। तो डियर राहुल, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि मेरा फेवरेट यूट्यूबर वो यूट्यूबर होता है जो किसी भी यूट्यूबर की हेल्प करता है, जो इनिशियल लेवल पे जो एक बिगनर है, जो शुरुआती दौर पर जिसने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, उसकी अगर जो भी समस्याएं आती हैं, किसी भी तरीके से उसकी प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर वो कोई भी यूट्यूबर, बड़ा यूट्यूबर अगर उसकी हेल्प करता है, चाहे उसके एक्स वाई जेड कोई भी व्हाटएवर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर किसी भी समस्या का समाधान करता है, तो मेरे लिए वही सबसे बेस्ट और वही मेरा सबसे फेवरेट है। क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि लाइक भाई मेरे ये मेरे यूट्यूबर्स हैं या ये मेरे मेरे ये वाले सबसे ज्यादा फेवरेट यूट्यूबर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे इसरार भाई हैं, इसरार भाई से यार गुड, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी मदद करते हैं लोगों की। तो इस तरीके से जो भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो वो एक अच्छे तरीके से यार मेरा फेवरेट यूट्यूबर है, जो भी कोई भी इस तरीके जो भी मदद करता है मेरे लिए वो सबसे बेस्ट है। सर, मेरा दूसरा ये क्वेश्चन है जो हमारे YouTube फैमिली बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर उन्होंने बोला है कि अगर हम कोई न्यू यूट्यूबर है तो वो क्या कैसे ग्रो कर सकते हैं। सर, ये क्वेश्चन हमारे YouTube फैमिली जानना चाहती है जो हमारे न्यू क्रिएटर है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे। और यहाँ पर दोस्तों राहुल ने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है, सेकंड क्वेश्चन वो पूछा कि जब एक नया क्रिएटर होता है, जब एक यूट्यूबर अपने चैनल को स्टार्ट करता है तो वो अपने चैनल को कैसे ग्रो करे, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने चैनल को अगर ग्रो करना है तो चैनल को ग्रो करने के लिए सबसे पहली चीज कि आपको अपने चैनल को सबसे पहले आपको कस्टमाइज करना है, अपने चैनल को बिल्कुल प्रोफेशनल लुक लेके रहिए, राइट। जब आपका चैनल बिल्कुल प्रोफेशनल लुक में आ जाए उसके बाद में सेकंड चीज आपको क्या काम करनी है, आपको काम करना है थंबनेल पे। आपको HD थंबनेल, बिल्कुल प्रोफेशनल थंबनेल, एकदम बढ़िया थंबनेल बनाइए, अट्रैक्टिव थंबनेल बनाइए, क्लिकबल थंबनेल बनाइए कि लोग उसको देखते ही क्लिक कर दे। तीसरी चीज, आपको अपने टाइटल पे काम करना है। चौथी चीज, आपको अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। पांचवी चीज, टैग आपको सबसे बढ़िया और अच्छे और सर्चेबल टैग्स आपको फाइंड करने हैं। तो इन बातों का आप अगर ध्यान रखें तो डेफिनेटली आपका चैनल ग्रो होएगा। और इस तरीके से आप ये मान के चलिए कि आप अपने चैनल को एक साल दीजिए, एक साल अपने चैनल को देखिए, उसके बाद में देखिए क्या रिजल्ट आएगा। हो सकता है कि विद इन थ्री टू फोर मंथ या आपके पास में आफ्टर फाइव मंथ में ही आपका चैनल मोनिटाइज हो जाए, लेकिन यहाँ पे आपको मेहनत के साथ में आपको जी जान लगाकर आपको काम करना पड़ेगा, तब आपका चैनल जो है अच्छा ग्रो करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से आप आसानी से अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। जो मैंने आपको बातें कुछ बोले उन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए, उसके बाद डेफिनेटली आपका चैनल 100% ग्रो होगा। सर, मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि हम न्यू यूट्यूबर को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, जो राहुल का जो तीसरा क्वेश्चन है, राहुल ने तीसरा क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि जब एक नया क्रिएटर अपने चैनल को क्रिएट करता है तो उनको किन किन बातों का और किन किन चीजों को सावधानियां रखनी चाहिए, किन किन चीजों पे सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राहुल ने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर बोला है, क्योंकि जब एक नया क्रिएटर आता है तो वो कई गलतियां करता है, बहुत सारी चीजें, क्योंकि एक चीज देखिए, जो गलती करता है वही सीखता है, राइट।
जो गलती करता है वही सीखता है, लेकिन ऐसी गलती भी ना करें कि सारी ही गलती हो जाए। तो इन बातों का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो जब नया क्रिएटर आता है तो उनको किन चीजों का ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज कि आपको अगर अपनी मोनेटाइजेशन इनेबल करना है अपने चैनल पे, अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन कराना है, तो उसके लिए आप अपनी वीडियोस को खुद मत देखिए, अपने परिवार के मोबाइल से भी अपनी वीडियोस को खुद ना देखें। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, आपका चैनल का कैटेगरी कुछ भी है, एक्स वाई जेड, चाहे फूड से रिलेटेड हो, चाहे आपका जो भी आपका टेक कैटेगरी है, चाहे आपका प्रैंक है, चाहे आपका स्टेटस है, एक्स वाई, कोई भी कैटेगरी है, आप अपने वीडियोस को सोशल्स पे तभी शेयर करें जब वहां पे उसके इंटरेस्टेड लोग रहे। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है तो उस ग्रुप के अंदर उन्हीं लोगों को ज्वाइन रखिए, उन्हीं लोगों को ऐड करके रखिए जो फील्ड के अंदर इंटरेस्ट रखते हो। अदरवाइज क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपने 50 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, 50 में से अगर आपके पास में सिर्फ 20 लोग ऐसे हैं जो आपकी वीडियोस के अंदर, यानी जो आपके टेक कैटेगरी है, टेक कैटेगरी के अंदर सिर्फ 20 लोगों को इंटरेस्ट है, और आपके यार दोस्त है, चलो ठीक है, दोस्त के बोलने पर सबने आपकी बातों को ध्यान रखा, आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, आपकी वीडियोस को देख रहे हैं, लेकिन होगा क्या, 20 लोगों को टेक में इंटरेस्ट है, वो आपकी 20 लोग आपकी पूरी वीडियोस को वॉच करेंगे, लेकिन जो 30 लोग बचे, जो आपके 30 लोग बचे, वो क्या करेंगे, सिर्फ आपकी वीडियोस को ओपन करेंगे सिर्फ ये चीज के लिए कि आपने आपके आपके दोस्त की मन की बात रखने के लिए। तो वो 30 लोग क्या करेंगे, वीडियोस को ओपन किया, ऐसे ओपन किए, दिख गया, सिर्फ स्वाइप मार दिया, बस खत्म। तो इस केस में क्या होगा, आपका वॉच टाइम गेन नहीं होएगा। जो आपके पास में अच्छी ऑडियो रिटेंशन आनी चाहिए, जो अच्छा CTR जनरेट होना चाहिए, वो आपका बिल्कुल डाउन चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके वॉच टाइम के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है इन सारी चीजों का, कि जब एक नया क्रिएटर होए तो इन सब चीजों पे बहुत ही ध्यान से और अच्छे से इन चीजों के ऊपर काम करना है। सर, चौथा क्वेश्चन मेरा ये है कि बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिली पूछते हैं क्या यूट्यूब पे करियर बन सकता है, तो ये बहुत सारे सवाल मेरे पास कमेंट है, या मेरे फ्रेंड लोग मुझे पूछा मुझसे कि सर से पूछो कि क्या यूट्यूब पे करियर बन सकता है, तो ये सर जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर राहुल ने दोस्तों चौथा क्वेश्चन पूछा है कि क्या जब यूट्यूबर, जब एक नया यूट्यूबर जब चैनल बनाता है तो क्या उसका कैरियर है यूट्यूब के अंदर या नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत वैलिड क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, कि ये क्या यूट्यूब के ऊपर कैरियर है, क्या हमें यूट्यूब को एज ए कैरियर मान के चलना चाहिए या नहीं मान के चलना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, कि देखिए इनिशियल अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड में बहुत अच्छा है, राइट, अगर आपका मैं देखिए यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल सही बात बोलूंगा कि अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, फिर तो उस केस में आपको भैया आप ये मान लें कि यूट्यूब ही आपका कैरियर है। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड कहीं ना थोड़ा सा अप डाउन है, तो उस केस में क्या होएगा कि फैमिली भी ये बोलेगी कि यार तू क्या काम कर रहा है, तू भैया कुछ काम धाम कर, कहीं नौकरी सौकरी कर, कुछ काम कर, राइट। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं अगर फिर भी बात करूँ तो यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छा कैरियर है, अगर एक अच्छा आपका टॉपिक है, अच्छा आपकी कैटेगरी है, अच्छा अपने एक प्लेटफॉर्म, आपके अंदर अच्छी एक नॉलेज है, तो डेफिनेटली यूट्यूब के ऊपर आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं जितनी की प्राइवेट नौकरी या गवर्नमेंट नौकरी के अंदर भी आपको उतनी सैलरी नहीं मिलेगी। इस बात को आप समझ लीजिए कि यहाँ पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छा यहाँ पर कैरियर है। लेकिन फिर भी वही बात, शुरुआत वाली बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, फिर तो डेफिनेटली आपका जो है कैरियर बहुत अच्छा, बिकॉज उस टाइम पे आपने टेंशन नहीं रहेगी ना, सारी टेंशन आप भूल कर अपने यूट्यूब के ऊपर लगा के रखेंगे। लेकिन आपके पास टेंशन रहेंगी, फैमिली का भी पीछे से प्रेशर रहेगा आपको ये करना, तो उस केस में टेंशन के अंदर आपकी चीजें नहीं हो पाएंगी। लेकिन फिर भी मेरा पर्सनल सजेशन कि यहाँ पर जो है यूट्यूब के ऊपर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आपका कैरियर बन सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, उस कैटेगरी के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है। तो आप यहाँ पर अच्छे से काम कर सकते हैं ताकि आपका कैरियर जनरेट हो सकता है डेफिनेटली, और बहुत सारे लोगों का कैरियर बनता है, ऐसा नहीं है कि कैरियर नहीं बनता, बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने कैरियर को बनाते हैं और बना भी रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे हमारे क्रिएटर्स लोग जानना चाहते हैं कि आपकी मंथली इनकम क्या है, ये बहुत ही बहुत पूछे जाने वाला सवाल है कि आखिर सर की इनकम क्या है मंथली, मैं जानना चाहता हूँ, तो सर आप वो बताए हमारे व्यूअर्स को। आप पे जो है राहुल ने पांचवा क्वेश्चन पूछा दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है, राहुल बोलते हैं पांचवा क्वेश्चन कि सर आपकी जो यूट्यूब से मंथली अर्निंग है वो कितनी है। तो डियर राहुल, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि ऐसे
ऐसे जो है यूट्यूब के ऊपर हम अपनी अर्निंग, कोई भी यूट्यूबर कोई भी हो अगर वो अपनी अर्निंग को ऐसे शो नहीं करता और ना ही कोई ऐसे एक्सपोज करता, ना ही कोई ऐसे कुछ बताता है। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो आप जाके मेरे इंस्टाग्राम पे बाकी चेक कर सकते हैं कि वहां पे मैंने ऑलरेडी बाकी कम्युनिटी टैब में भी मैंने कई बार पोस्ट डाला है, आप वहां पे जाके आसानी से चेक जो है वहां पर आप जो है मेरी अर्निंग चेक कर सकते हैं कि मेरी अर्निंग कितनी है। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल के ऊपर भी कई बार मैंने बताया कि मेरी अर्निंग कितनी आती है, तो लेकिन फिर भी एवरेज में अगर आपको यहाँ पे बता दूं कि आप जो है आसानी से जो है एक अच्छे खासा आप स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं जो अंडर 20 के हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इतनी मेरी मंथली अर्निंग है। बाकी मेरा ये जो अर्निंग है यूट्यूब का, तो ये तो एक मेरा अलग है जरिया, बाकी मेरे जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो कहीं और से है और वो बहुत अच्छी खासी इनकम वहां से जनरेट होती है। क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे हमारे क्रिएटर्स लोग जानना चाहते हैं आपसे कि लाइक शेयर और व्यूज सब्सक्राइब ये कैसे बढ़ेगा, तो हमें बता दे व्यूअर्स को और काफी अच्छा लगेगा जानकर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें सिक्स नंबर, तो दोस्तों सिक्स नंबर जो क्वेश्चन पूछा है राहुल ने वो ये पूछा है कि लाइक सब्सक्राइब और व्यूज ये सारी चीजें कैसे बढ़ाएं हम अपने चैनल पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले आपको आई होप कि आपका ये जो क्वेश्चंस का आंसर है इस सवाल का जब आपको पहले क्वेश्चन में मिल जाएगा, जो मैंने आपको बताया था कि जब नया क्रिएटर आता है तो उनको किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले चीज है कि अगर आपको व्यूज और आपको अपने सब्सक्राइबर और आपको अपने चैनल को ग्रो करना है तो इस केस के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको चैनल को बिल्कुल प्रोफेशनल लुक बनाइए, चैनल पे वीडियोस का आप जो कंसिस्टेंसी है उसको बना के रखिए। ऐसा नहीं कि आज जो वीडियोस आपने आज डाला पता चला एक महीने बाद डाल रहे हैं, एक हफ्ते बाद डाल रहे हैं, नहीं, अगर आप हफ्ते के अंदर तीन वीडियो डालते हैं तो तीन डालिए, अगर आपके डेली एक डालते हैं तो डेली एक डालिए, हफ्ते में एक डालते हैं तो एक डालिए, तो यहाँ पर आप सिक्वेंस बना के रखिए। ऐसा नहीं कि एक वीडियो कभी डाल रहे हैं दूसरी वीडियो कभी डाल रहे हैं, ऐसा नहीं, सिक्वेंस जनरेट करके और एक टाइम पर डालिए वीडियो। ऐसा नहीं कोई वीडियो आप रात के 8 बजे डाल रहे हैं, कोई वीडियो आप सुबह 10 बजे डाल रहे हैं, कोई वीडियो आप 12 बजे डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं, कोई एक पर्टिकुलर एक टाइम सेगमेंट आप सेलेक्ट कीजिए, उस टाइम के अकॉर्डिंग आप अपनी वीडियोस को पब्लिश कीजिए और डेफिनेटली आपका कंटेंट पे आपको फोकस रहना चाहिए, आपके थंबनेल पे आपको फोकस रखना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपके अच्छे से रहेंगे और बेस्ट रहेंगे तो डेफिनेटली आपके जो सब्सक्राइबर का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे दोस्तों एक अपना पर्सनल सजेशन मैं यहाँ पे दूंगा, अगर आपका स्टोरी टैब इनेबल है तो आप स्टोरीज डालिए, क्योंकि वहां पे सब्सक्राइबर का जो कन्वर्जन है वो बहुत अच्छा खासा है, तो स्टोरीज अच्छे खासे सब्सक्राइबर गेन होते हैं, तो आप उस चीज का इस्तेमाल कीजिए और इस तरीके से आप जो अपने चैनल पे लाइक सब्सक्राइब एंड एक्स वाई जेड ये सारी चीजें आप अच्छे से गेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर राहुल ने 5-6-7 क्वेश्चंस कुछ मुझसे पूछे जिनसे आप आई होप कि काफी मोटिवेट भी होंगे और काफी कुछ आपको सवालों के जवाब भी मिले होंगे। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे, चाहे कोई नया क्रिएटर हो, उनको किस बातों का ध्यान रखना है, तो किन चीजों पर आपको फोकस करना है, तो आई होप कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो बस फ्रेंड यहाँ पे थैंक यू सो मच राहुल का, जिन्होंने मुझे इस तरीके से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी कि अपने चैनल पे आने के लिए। तो इस तरीके से राहुल थैंक यू सो मच डियर, और आई होप कि नेक्स्ट टाइम भी हम इसी तरीके से आपके चैनल पे मिला करेंगे। तो बस आप लोग इस तरीके से मेहनत कीजिए, कुछ पॉइंट्स का कुछ बातों का ध्यान रखिए ताकि आप अपने चैनल को ग्रो कीजिए, अपने करियर को भी बिल्ड कर सकते हैं और अच्छी खासी इनकम जनरेट करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड थैंक यू सो मच राहुल अगेन आपका, और बस आप सब लोगों का भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। तो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट में बताएं, हमने सर का ये ट्यूटोरियल लेकर बहुत ही हमको अच्छा लगा और आपको भी बहुत बढ़िया लगा हो। सो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे सर के चैनल को विजिट करके सर को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए और सीखिए और हम भी सीख रहे हैं और बड़ों से सीखिए। तो तब तक के लिए आज के लिए सुनना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।